आज हम बात करने वाले हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर के बारे में और आज बात करने वाले हैं इन दोनों ममालिकों के रिलेशन के बारे में। इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट हमारे पास आया है जिसमें ये बात की जा रही है कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन कैसा है और इन दोनों ममालिकों के बॉर्डर के ऊपर क्या इशू चल रहे हैं आजकल। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन दोनों ममालिकों के बॉर्डर के ऊपर, इन ममालिकों के रिलेशन के बारे में। सबसे पहले वीडियो देखेंगे फिर बात करते हैं इसके बारे में। भारत के साथ नेपाल की सीमा 1756 किलोमीटर लंबी है। 1814-16 के आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद ही नेपाल और भारत के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। दोनों देशों के बीच की सीमा को दशगज्जा, 10 गज नो मैन्स लैंड कहा जाता है। कुल मिलाकर यह सीमा प्राकृतिक नहीं है, दोनों देशों को विभाजित करने वाली महाकाली नदी को छोड़कर सीमा नदियों या पहाड़ों से अलग होती है पश्चिम में, और मेची नदी जो पूर्व में देश को विभाजित करती है। कुछ जगहों पर तो सीमा भी सम हो गई है, एक ही गांव को बांट देता है। जैसे एक व्यक्ति का घर एक देश में पड़ता था, कृषि भूमि सीमा के दूसरी ओर था। दिलचस्प बात यह है कि जिस दौरान दोनों देशों के बीच सीमा का सीमांकन किया गया, उस दौरान कई नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने गोरखाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि वे इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे नेपाल। ये संभावना थी कि इस तरह के पाठ्यक्रम से गोरखाओं को उनसे बदला लेने में मदद मिल सकती थी। लोग इस संदर्भ में ब्रिटिश शासन को गोरखाओं के साथ समझौता करना पड़ा और एक प्रयास करना पड़ा, वादा करें कि वे नेपाल में सीमावर्ती निवासियों से बदला नहीं लेंगे। नेपाल के साथ विलय की अनिच्छा तब से ब्रिटिश शासन और गोरखाओं ने कोई रोक नहीं लगाई लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। इस डर से है कि उनके आवागमन पर कोई प्रतिबंध लग सकता है, प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। जब से नेपाल और भारत के बीच सीमा का सीमांकन हुआ है, तब से कोई सीमा निर्धारण नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच बड़ी समस्या, दोनों देशों ने 98% काम पूरा कर लिया है उनकी सीमा पर सर्वेक्षण कार्य। दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी समस्याएं केवल सुस्ता और मेन मौजूद हैं काला पानी, जिसे दोनों देश बातचीत के माध्यम से हल करने की उम्मीद करते हैं। सुस्ता स्थित है पश्चिम नेपाल में नवलपरासी जिला, जबकि काला पानी नेपाल के सुदूर पश्चिम में दार्चुला जिले में है। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद नेपाल और भारत ने हस्ताक्षर किए 1950 में शांति और मित्रता की संधि। संधि न केवल सीमा को खुली रखने के लिए प्रतिबद्ध थी, को राष्ट्रीय उपचार अर्थात वही परिस्थितियां जो एक देश अपने नागरिकों को देता है प्रदान करना भी है। व्यापार, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों में दूसरे देश के लोग। संधि का खंड एक देश के लोगों को औद्योगिक और अन्य आर्थिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार प्रदान किया। अन्य इसके अलावा क्लॉज ने एक देश के नागरिकों को निवास का अधिकार, स्वामित्व की अनुमति दी, संपत्ति, व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों में भागीदारी, आंदोलन और अन्य विशेष अधिकार देश। लेकिन बाद में 1950 की संधि के विनिमय पत्र में भारत ने नेपाल की संवेदनशीलता को स्वीकार कर लिया एक छोटा देश होने के नाते, और इसमें भारतीयों की भागीदारी के संबंध में इसे सुरक्षा प्रदान की गई आर्थिक क्रियाकलाप। खुली सीमा प्रणाली के कारण नेपाली और भारतीय लोगों के लिए एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कोई पासपोर्ट या वीजा औपचारिकताएं नहीं है। लेकिन यह अजीब है कि नेपाली प्राधिकरण द्वारा यहां तक कि वीजा नियम भी लागू किए गए थे नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जब राजधानी काठमांडू की यात्रा करनी होती थी। यह प्रणाली 1950 के दशक के मध्य तक प्रचलन में थी। उत्साहजनक बात यह है कि खुली सीमा प्रणाली की व्यवस्था अद्वितीय है। यह बेहद साबित हुआ नेपाल और भारत के सीमावर्ती निवासियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनके धार्मिक पारंपरिक संबंधों को बढ़ावा मिला है। सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र, भारत के साथ खुली सीमा प्रणाली की व्यवस्था की गई है पुरस्कृत। इसने सीमा के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों, आपसी समझ और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया। दोनों देशों के निवासी, एक देश के लोग किसी भी स्थान से बिना किसी प्रतिबंध के सीमा पार कर सकते हैं। हालांकि सीमा पर विभिन्न स्थानों पर 22 चौकियां मौजूद हैं, लेकिन विदेशी नागरिकों को दोनों की आवश्यकता होती है, प्रवेश और निकास वीजा, और उन्हें 6 आवर्जन बिंदुओं के माध्यम से सीमा पार करनी होगी, जिसमें शामिल हैं बनबसा, धनगढ़ी,
नेपालगंज, भैरहवा, बीरगंज और काकरभिट्टा। नेपाल के संबंध में भारत की सीमा यह किसी व्यक्ति को एक सीमा में बांधने की बजाय स्वतंत्रता की ओर अधिक है। सीमित राजनीतिक सीमा। जाति और भाषाई समानता के कारण नेपाल भारत के दोनों किनारों पर लोग रहते हैं। सीमा मैथिली, हिंदू, भोजपुरी और अवधी बोलती हैं। उनका खान पान, पहनावा और रहन सहन है लगभग एक जैसा। इससे सीमावर्ती निवासियों के बीच वैवाहिक संबंधों को बढ़ावा मिला है। हर साल दोनों देशों के सीमावर्ती निवासियों के बीच हजारों शादियां होती हैं, जो कि है उनके रिश्तों में गर्माहट आ गई। अक्सर नेपाल के सीमावर्ती निवासी सीमा पार कर भारत के विभिन्न हिस्सों में चले जाते हैं तीर्थयात्राओं पर। इसी तरह भारतीय सीमा के निवासी भी नेपाल के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। नेपाली सीमा के निवासियों के लिए भारत में सीमा पार लोकप्रिय तीर्थ स्थल गया है काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, वैष्णो देवी, बालाजू तिरुपट्टी, रामेश्वरम और द्वारका। इसके विपरीत नेपाल में भारत के हिंदुओं के लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में जनकपुर, घड़ी शामिल है, माई बराह क्षेत्र, मुक्तिनाथ और काठमांडू, कोशी टप्पू, परसा वन्य जीव रिजॉर्ट, बर्दिया और चितवन जैसे कई स्थल भारत के साथ नेपाल के सीमा क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों के आकर्षण हैं। इसके अलावा नदियों में राफ्टिंग भी की जाती है और खूबसूरत चाय बागान भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कई भारतीय पर्यटक बुद्ध की जन्मस्थ लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। घने वन क्षेत्र, नदियां, वनस्पति और जीव और नेपालियों की मेहमान नवाज प्रकृति सीमावर्ती निवासी भारतीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का स्रोत हैं। गौरतलब है कि नेपाल से अधिकांश सीमावर्ती निवासी सीमा पार कर आते जाते हैं। भारत कला, वाणिज्य, विज्ञान, कानून, चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न विषयों में अध्ययन करने के लिए। अक्सर नेपाली सीमा के निवासी सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ जाते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। यहाँ पे मैं बात करता हूँ नेपाल और इंडिया के बॉर्डर की और इन दोनों के रिलेशन के बारे में। सबसे पहले इनके बॉर्डर के बारे में बात करूँ, बॉर्डर के ऊपर डिस्प्यूट एक ही है जो आपको पता है, काला पानी, लेपोली, लिम्पियादूरा। बट इसके अलावा जो नेपाल क्लेम करता है वो ग्रेटर नेपाल की क्लेम करता है। हम ग्रेटर नेपाल को अभी थोड़ा सा साइड लाइन कर देते हैं, हम बात करते हैं इन तीन जगहों के बारे में। तो ये इशू अभी से नहीं, ये काफी टाइम से पता चलता आ रहा है, हमें बताया जा रहा है कि भाई ये डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे चाइना इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है, तो वैसे नेपाल और इंडिया के बीच में भी डिस्प्यूट है। अब इन तीनों चारों ममालिकों का डिस्प्यूट इंडिया के साथ चल रहा है। इंडिया ने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से डिस्प्यूट चल रहा है। अब अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं तो बाकी ग्रेटर नेपाल की जो हमने बात की वो तो बहुत बड़ी जगह है नेपाल की, वो लेना चाहता है। बट अगर हम इन तीन जगहों की बात करें, ग्रेटर नेपाल को अभी साइड पे कर देते हैं क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इन तीन जगहों की बात करता हूँ। इसके ऊपर डिस्प्यूट काफी ज्यादा इसलिए भी है, ये सबको पता है, दूसरा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है कि भाई ये जगह नेपाल की है और इंडिया ने इल्लीगली कब्जा किया हुआ। अब रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो यार इंडिया और नेपाल के रिलेशन स्टेबल नहीं होते एक टाइम पे, मतलब आपको बिल्कुल स्टेबल नहीं नजर आएंगे कि ओ, बिल्कुल एक ही 50-50 पे हो, कभी ऊपर होंगे कभी नीचे होंगे। 7 महीने पहले बहुत बुरे हालात थे, अभी फिर ठीक हो गए। तो इंडिया नेपाल के बीच में जो रिलेशन है वो कभी भी स्टेबल नहीं होते, हर 6-7 महीने बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके बाद इनके रिलेशन डाउन पे जाते हैं, फिर 4-5 महीने ठीक हो जाते, 1-2 महीने ठीक चलते फिर डाउन पे जाते। अब 7 महीने पहले जब इंडिया नेपाल के बीच में ग्रेटर नेपाल के बारे में बात हुई थी और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया गए थे तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यह बताया था कि भाई हमें पोखरा के लिए, पोखरा इंटरनेशनल पोर्ट के लिए जो है वो ए रूट दो। इंडिया ने हाँ कर दिया बट वापसी पे आने के बाद उन्होंने मना कर दिया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जब आए तो उन्होंने मना कर दिया। इसी चीजों के ऊपर भी नेपाल इंडिया के बीच में थोड़ा बहुत क्लैश हुआ, थोड़ा बहुत मसला हुआ, जिसकी वजह से फिर नेपाल के लोग नहीं पसंद कर रहे थे इंडिया को। थोड़े बहुत क्लैशेज होते रहते हैं, थोड़ा बहुत मसला होता है इन दोनों मुल्कों के बीच में और नेपाल चाहता है कि सॉल्व हो बट इंडिया नहीं चाहता, मुझे लगता है इंडिया नहीं चाहता। बट बाकी भी आप लोगों को पता है कि इन दोनों ममालिकों के बीच में रिलेशन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बॉर्डर का ही कि बॉर्डर के ऊपर तीन डिस्प्यूट, बॉर्डर के ऊपर एक ही इशू है वो डिस्प्यूट, और वो आप सबको पता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।